हेलो दोस्तों, मेरा नाम मान सिंह है और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस वीडियो में। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नए देश की वीडियो लेकर आया हूं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको पता लगेगा कि इस देश में हम कैसे जा सकते हैं, कौन कौन से परमिट ओपन हुए हैं, ये कंट्री कहाँ पर आती है। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, लाइक करना और शेयर भी कर देना। दोस्तों, आज मैं जिस देश की बात कर रहा हूँ उस देश का नाम है पुर्तगाल। पुर्तगाल आप लोगों ने सुना ही होगा। पुर्तगाल एक यूरोपियन कंट्री है और ये शेंजन के अंडर में आती है। तो दोस्तों, हमारे बहुत सारे इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी भाई जो पुर्तगाल में वर्क करते हैं, पुर्तगाल में काम बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर होटल इंडस्ट्रीज हैं और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। वहाँ पर आप आराम से काम कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि पुर्तगाल के अंदर वर्क मिलना बहुत आसान है। अगर आपको कोई भी एक पार्टिकुलरी वर्क आता है और वो पुर्तगाल में है तो आप वहाँ पर बहुत आसानी से काम को ले सकते हो और काम कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को सभी को मालूम है कि वर्ल्ड के अंदर जितने भी देश हैं सभी ने अपनी जो सीमाएं हैं, मेन कि अपने बॉर्डर जो हैं वो सीज कर दिए थे। कोई भी एक देश का दूसरे देश में जा नहीं सकता था। इस वजह से सभी देशों की GDP डाउन हो चुकी थी, क्योंकि वर्क होते नहीं थे और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम बंद हो गया था। इसकी वजह से बहुत सारा देशों को नुकसान भी हुआ है और GDP डाउन होनी शुरू हो गई है। जैसे ही कोविड की स्थिति थोड़ी सी डाउन हुई तो देशों ने अपने बॉर्डर खोलने शुरू कर दिए थे, बट रिस्ट्रिक्शनें बहुत भारी थी जो कि हर एक पर्सन इसको पूरा नहीं कर पाता था। तो दोस्तों, अब भी धीरे धीरे सारे देशों ने रिस्ट्रिक्शनें हटाने शुरू कर दी हैं। जो कि कोविड से पहले की स्थिति थी वैसी स्थिति अभी शुरू हो चुकी है। अभी आप विदाउट रिस्ट्रिक्शन किसी भी देश में आप जा सकते हैं। कुछ देश अभी हैं जो रिस्ट्रिक्शनें लगा रखी हैं, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। तो ऐसे ही पुर्तगाल ने भी रिस्ट्रिक्शनें लगा रखी थी, अभी उसने बिल्कुल रिस्ट्रिक्शनें हटा दी हैं। आप आराम से पुर्तगाल में जाके काम कर सकते हैं विदाउट किसी रिस्ट्रिक्शन, तो आप वहाँ पर जॉब को आराम से ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों, पुर्तगाल जाने के लिए दो वे हैं, जो कि सबसे पहला वे आपको बताता हूँ कि आप खुद वहाँ पर जॉब को ढूंढें। आप अपने देश में बैठ के आप गूगल के थ्रू वहाँ पर जॉब को ढूंढ सकते हैं। जॉब ढूंढने का तरीका क्या है कि आप गूगल पर सर्च करिए पुर्तगाल जॉब, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो कंप्यूटर की स्क्रीन या लैपटॉप की स्क्रीन है या मोबाइल की स्क्रीन है, उसके ऊपर आप लोगों के सामने बहुत सारी वेबसाइटें पुर्तगाल की जॉब जो जॉब प्रोवाइड करवाती हैं वो ओपन हो जाएंगी। फिर आप धीरे धीरे एक एक वेबसाइट को ओपन कीजिए और देखिए आपके आपने जो ट्रेड में वर्क किया है, आपने एजुकेशन की है, आप वहाँ पर सर्च कीजिए। आपको अगर ट्रेड के हिसाब से वहाँ पर जॉब ओपन है तो आप आराम से उस वहाँ उस कंपनी के अंदर रिज्यूमे सेंड कर सकते हैं। और अगर आपको पता नहीं लग पा रहा है या आपको जॉब नहीं मिल पा रही है खुद ढूंढने से, तो आप किसी लीगल एजेंट के थ्रू भी पुर्तगाल में जॉब को ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये दो वे हैं। यहाँ पर जो आप ढूंढते हो तो यहाँ पर कोई पैसा खर्च करना नहीं पड़ता है। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू जाते हो तो आप वहाँ पर आपको अच्छा खासा पैसा लग जाता है। तो दोस्तों, अगर आपका इच्छा है कि हम पुर्तगाल में जॉब करें तो आज से ही अपने डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर लें, अपने जितने भी एजुकेशन के सर्टिफिकेट्स हैं वो तैयार करके रखें, अपने एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट हैं वो तैयार करके रखें, और आपने डिप्लोमा डिग्री जो भी आपने ट्रेड के हिसाब से किया हुआ है वो आप अपना तैयार करके रखें, क्योंकि वहाँ पुर्तगाल के अंदर हर एक ट्रेड की वैल्यू है। बैंक इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर हो, होटल मैनेजमेंट के कोर्स हों, चाहे होटल मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे ट्रेड आते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल, प्लम्बर, कुक और वेटर और रिसेप्शंस और भी काफ़ी ऐसे ट्रेड हैं जो कि होटल मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं। तो उसके हिसाब से आप लोगों को जॉब को देखना होगा। उसके बाद इंडस्ट्रीज वहाँ पर अच्छी खासी हैं, वहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं, और आप रेस्टोरेंट्स में जॉब कर सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि पुर्तगाल एक वहाँ पर टूरिस्ट प्लेस कंट्री भी है, लोग घूमने के लिए भी बहुत आते हैं। तो इसके हिसाब से वहाँ पर जो टूरिस्ट प्लेस कंट्री होती है वहाँ पर होटल मैनेजमेंट का बहुत सारा हिस्सा होता है, क्योंकि मैक्सिमम जितनी भी कंट्रियाँ हैं टूरिस्ट पर भी चलती हैं। तो दोस्तों, अगर आप पुर्तगाल में जॉब करना चाहते हैं तो अभी से ही अपनी तैयारी खींचना शुरू कर दें। तो दोस्तों, ये थी कि पुर्तगाल की छोटी सी अपडेट। कैसी लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। दोस्तों, अभी मैं आप लोग से जा जाता हूँ। तो दोस्तों, मेरी तरफ से आपको प्यार भरी सत श्री अकाल, जय हिंद।